स्मॉल स्माल थिंग इन दउस ना है लेंगे तो अच्छा उसका स्कूल का फीस नहीं दे पाएंगे तो मुझे इस चीज से ना थोड़ा लगता है अगर म्यूजिक इतना ही टफ है और घर ही नहीं चल सकता है अगर मैं जी नहीं पाऊंगा तो फिर कैसे म्यूजिक टफ है आई रियलाइज आई लॉस ऑफ टाइम एंड आई टू लर्न इट नाउ सॉन्ग इज वी डोंट दॉन्ग ऑल्सो वर्क दैट इज नॉ रिमूव फ्रॉम सोशल मीडिया इट्स अगर उसको वॉश आउट करके मैं ये करता देन दट वुड बीन बैड बट बोथ द्रेडिट फॉर इट मैन इनफैक्ट इन दर ऑल्सो देटेगरी फॉर रिकन एंड आई टोल मई मॉम

Skeleton is the beats. I want to work more on my culture, more than Western influence. Mommy play guitar then. I'll sing Ratalambe. <laughs> सुन बावरे के राता लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ संगे आ रे के राता लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ संगे आ रे हाय फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आज के हमारे गेस्ट एक्सट्रीमली पॉपुलर है कंपोजर है सिंगर है स्ट है म्यूजिक प्रोड्यूसर है उन्होंने हिंदी में काम किया है दूसरी लैंग्वेज में काम किया है उन्होंने फिल्म का काम किया है नॉन फिल्म का काम किया है एड जिंगल्स का काम किया है उन्होंने रीमेक भी किया है ओरिजिनल भी किया है अगर आप किसी पार्टी में जाएं तो उनके गाने के बगैर पार्टी नहीं हो सकती अगर आप क्लब में जाएं तो कोई क्लब नाइट उनके गाने के बगैर नहीं हो सकती आप किसी शादी में जाएं या आप रेडियो पे सुने या टीवी पे सुने कहीं भी सुने ऐसा नहीं हो सकता कि उनके गाने वहाँ पर नहीं बज रहे हों आप में से ज्यादातर लोग उनको हो सकता है रिक्रिएशंस के लिए जानते हो uh, हम्मा हम्मा तम्मा तम्मा ले जा रे दिल भर साके साक। ऐसे काफ़ी सारे रिक्रिएशन हैं लेकिन कमाल की बात ये है कि उनके ओरिजिनल गाने भी उतने ही ज्यादा है और कुछ कुछ ऐसे ओरिजिनल गाने हैं जो शायद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं वे माही uh, राता लंबिया विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ दैट ईयर बारिश ऐसे न जाने कितने सारे ओरिजिनल गाने भी उनके हैं तो आज ऐसे ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ हैं तनिश बागची वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट थैंक यू 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 सो सो मच फॉर इनवाइटिंग हैप्पी हैप्पी आर हियर आई आई एम एम ऑलवेज व्हेन हमारा पॉडकास्ट में ना एक मेरा तकिया कलाम सवाल है कुछ कुछ कि मैं सबसे पूछता हूँ देर आर सो मैनी पीपल इन योर फैमिली और इन योर लाइफ कोई मैनेजर है या टीम है आपकी uh, वो आपको एक अलग तरीके से देखते हैं घर में मम्मी पापा हैं बीवी बच्चे हैं वो अलग तरीके से देखते हैं दोस्त बचपन के अलग तरीके से देखते हैं जो ऑडियंस आपको सुनती है उनके लिए आप एक अलग इंसान हो बट असल में तनिष बागची कौन है टफ क्वेश्चन पहले तो मैं बोलूँ मैं तनिष बागची जो नाम है वो मेरा एक्चुअली नाम नहीं था ठीक है ये लोगों को कम पता है मेरा नाम पहले रीग था रीग रे एंड गा ठीक है सो काफ़ी समय तक मैं सोचता रहता था कि क्या होता है इंडस्ट्री में थोड़ा सा सुपरस्टिशियस चीज़ें होती है अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो देर मस्ट भी सम प्रॉब्लम सो लोग बोलते थे नाम चेंज कर लो तो करियर हो जाएगा ये कर लो तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में नाम चेंज कर लिया कब की बात है ये टेन इयर्स बैक अच्छा तो आप आ चुके थे उसके बाद आपने नाम हाँ, मैंने सोचा कि मैं नाम चेंज कर लेता हूँ शायद करियर हो जाए एंड आई चेंज माई नेम टू तनिष्क एंड आई थिंक आफ्टर टू मंथ्स आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म आफ्टर दैट तो ये वह हो गया कि ये ही नाम है मेरा तो तब से मेरा तनिष बाग्ची का जर्नी चालू हुआ लेकिन अंदर में री गूँ तो जब ये तनिष बाग्ची का नाम होता है ना तब मुझे समझ में नहीं आता अच्छा ये इज इट मी सो वो अभी तक मेरा चलता रहता है अंदर

तनिश आप अब रीक बोलो तनिश बोलू आपको जो अच्छा लगे। रीक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सालों तक मैंने नहीं सुना कोशिश करता हूँ मुश्किल है <laughs> आदत मैं यही बोल रहा था कि हम लोग ऑनलाइन बहुत सारा साराफॉर्मेशन होता है और सबके मन में आपके आपको लेके एक अलग अलग कहानी होगी बट जो इंसान उस जिंदगी को जीता है आप आप पिछले चालीस बयालीस साल से उस जिंदगी को जी रहे हो तो हम आपसे सुनना चाहते हैं आपकी कहानी कहानी तो मेरा शॉर्ट है बहुत बट uh, मैं आपको शुरू से बताता हूँ थोड़ा सा <coughs> एक तो मुझे म्यूज़िक करना नहीं था ठीक है करना इसलिए नहीं था क्योंकि मैं देखता रहता था पापा मम्मी इतना काम कर रहे हैं इतना म्यूज़िक कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली कभी भी वो लोग सपोर्ट जो है बहुत कोशिश से होता था स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन द हाउस ना हैड टू बी थॉट अबाउट ट्वेंटी टाइम्स ये लेंगे तो अच्छा उसका स्कूल का फीस नहीं दे पाएंगे वो लेंगे तो ये तो मुझे इस चीज़ से ना थोड़ा लगता था अगर म्यूजिक इतना ही टफ है तो क्यों कर और कर जो घर ही नहीं चल सकता है अगर मैं जी ही नहीं पाऊंगा तो फिर कैसे म्यूजिक है फिर सो so, मेरा वो अंदर से फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड दिस माइंड नो म्यूजिक नहीं करूँगा इट माइट बी अ पैशन सो आई नेवर लर्न फ्रॉम माई डैड यूज़ टू टीच सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गिटार आते थे क्योंकि माई डैड इज़ ब्लूज एंड वेस्टर्न क्लासिकल मैं देखता था मैं मम्मी को बोलता था तो क्या कर रहे हैं मेरे को पसंद नहीं है मैं जाके फुटबॉल खेलता था गुड हो जाता था पतंग पतंग यस उड़ा था मेरा फेवरेट है वो तो मम्मी को ना ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरा बेटा ना म्यूज़िक में इंक्लाइन नहीं हो रहा है एंड देर इज सम प्रॉब्लम एंड मैं इसको कैसे ब्रेन वॉश करूँ कि म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है शी टोल्ड शी जस्ट टोल्ड मी दैट लिसन आई विल टेक यू वे यू वॉन्ट टू गो बिकॉज आई वॉटेड टू ट्रेवल अलॉट तो मम्मी सर आई विल टेक यू देर बट यू हैव ट अपने पारा में तो आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म देअर हाउ आई डो एनी थिंग टीच यू टेन डेज एंड आई एल टीच यूलो डन तो मॉम गेव द गिटार टू मी एंड टॉट मी अड्स मेरे तो इतने छोटे हाथ थे तो आता ही नहीं था तो शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्रेशन टीच में ऐसे ऐसे बजाना एंड मुझे एक रविन्द्र संगीत जो है मोम ने उठा के दिया एंड आई वेंट ऑन स्टेज एंड एवरीबडी थॉट दैट मोम ऑल्सो थॉट दैट नर्वस हो जाएगा ये कर नहीं पाएगा स्टेज में गया है बजा के आ गया ठीक है अरे ऐसे बजाय मैंने कि ये जो पार में लोग थे बोल रहे कब से सीख रहे आपका बेटा दस <laughs> पैर दिन टेन फिफ्टीन डेज ओनली आई लर्ट सो नेचुरली आई

आई से नो इट कॉट हैनी सॉन्ग वो नहीं तुझे करना ही पड़ेगा दोस्तों के लिए करना पड़ेगा सो मैं घर आया वापस मैं मम्मी को बोला वापस मम्मी को कि ये कॉलेज में मुझे परफॉर्म करने बोल रहे तो माम से ठीक है मैं तुझे कॉर्ड सिखा देता हूँ ठीक है तो मॉम ने फिर से वो कॉर्ड सिखाया कुछ कॉड में गया एंड द फर्स्ट सॉन्ग आई परफॉर्म बट बॉज रेमांसर सॉन्ग एंड आई प्लेड दट सॉन्ग ऑन स्टेज अकेला गिटार में और सामने कोई दिख ही नहीं रहा था एंड कॉलेज वॉज फुल फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स आई सेंग द सॉन्ग टेन टाइम्स एंड दे मेड मी सिंग इट वो पूरा शोर हो गया एंड आई केप्ट ऑन सिंगिंग 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 आई से नाउ मैं थक गया भाई और नहीं गा सकता मतलब आई बिकेम फेमस विद इन आई थिंक टू डेज एंड आई स्टार्ट परफॉर्मिंग इन ऑल द कॉलेज फ्रॉम स्कॉटिश टू जेवियर्स एंड ऑल सो सडनली आई आई गॉट दैट फीलिंग दैट देर इज समथिंग दैट आई हैव टू डू एंड आई डिट डू इट सो आई नीड टू स्टार्ट म्यूजिक आप कितने थे मोमूली पुष्ट में कि डैड के पास जाकर सीखो अभी डैड क्या है डैड वॉज फुल मतलब स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन से पहले का नर्सरी से टेंथ का कुछ है नहीं तो सब ऊपर से जाता था ऐसे ऐसे <laughs> सीख नहीं पा रहा हूँ फिर मोमो ने बोला एक काम करता हूँ इसको कंप्यूटर खरीद के दो एंड लेट हिम इन्वेस्टिगेट ऑन हिज ओन एंड फिगर आउट वॉट इज दिस सो वो हुआ एंड देयर माई जर्नी स्टार्टेड ठीक है पापा ने ई एम आई में ले कर एक मुझे सेटअप खरीद के दिया एंड मैं बैठ के उधर ही काम करता रहा था एंड देन वट है इज दैट आई टोल्ट माई मॉम दैट लिसन

आई सांग टू दैम एंड आई साइर मिक्सिंग एवरीथिंग माई सेल्फ कि आडिम का गाना लिया कोई हाउस बीट लिया कोई इंडियन लिया मिला के एक बनाता तो आई मेड सो मैनी सीरीज एंड देन वन डे डर टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू बॉम्बे सो मॉम्सर टेक हिम ऑल्सो दैट से ही विल डिस्ट्रॉय एवरी थिंग देर बिकॉज आई हेस्ट टू ब्रेक थिंग्स यू नो अगर कोई चीज देती तो मैं उसको खोल देता था ठीक है पापा इरेटेड हो जाते थे बिकॉज ही बोर्ड्स ना मैं की को खोल के देखता था कि अंदर कैसे सर्किट है सो माई डैड सेम सेव टू एंड देन आई स्टेप बॉम्बे फर्स्ट डे आई स्टेप बॉम्बे एंड माई डैड टूक मी टू अ स्टूडियो एंड माई डैड वॉज वर्किंग एंड देर वॉज एन अदर गाय यंग गाय सो ही सेड हीड मी वॉट डू यू डू डेड आई डू म्यूजिक ओनली बट आई एम नॉट दैट मच वो हैव समथिंग So yeah, I have. So I played one CD to him. He heard and he said, listen, he told my dad, Ki, I think he needs to be here. And I know a person who can be his mentor. So dad said, okay. So he took me to Jatin. Jatin Dalit? No, Jatin Sharma. Jatin Sharma, And that's my first step towards Bollywood music. When my mother heard my track, told me that you leave everything and you come and work with me. So, तब मेरा पहला step हुआ. And Jatin Da is one of the best music producers best music ever. Producer, ever. And और उन्होंने music production तब शुरू किया जब शायद गिनती के दो चार लोग पांच लोग होंगे. And it, I was में. fortunate that I met him. Because then I learned so many things. Oh, it's like it happens like this. अच्छा नियंत्रण जो है ऐसा होता है. अच्छा मैं तो ये सब कर रहा था flute, लूप्स और ये सब.

तो मेरा वो टारगेट बन गया तो आई डेडिकेटेडली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सो प्रोडक्शन करते 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 देन एज आई टोल्ड यू आई चेंज माई नेम ठीक है बीच में बहुत और भी बहुत हादसा हुए बट यू नो आई फील दैट माई स्ट्रगल दैट आई वेंट थ्रू इज जस्ट रोड्स ठीक हैडी डज दैट इवन है ऑन द रोड आई हैव स्लेप्ट ट्रस्ट मे आई हैव नो हाउस आई है आई डेंट वॉन्ट टू ट्रैवल माई मॉम दैट यू नो मोम वॉज वेरी स्ट्रेस क्या अकेला क्या कर रहे हैं बिकॉज दैट ऑल्सो केम बैक एंड आई वॉज लिविंग द आई नेवर टू टेल दैम दैट यू नो आई एम हंग्री फॉर थ्री डेज बिकॉज आई डेंट गेट पेमेंट और आई एम स्लीपिंग सम वेर आई डोंट हेव हाउस आई ऑलवेज टू टेल आई एम वेरी गुड थिंग्स आर गुड एंड आई थिंक माई फ्यूचर इज गोइंग टू गो एंड देट इज वॉट कैट मी रनिंग रनिंग तो उसी में आई मेट अन सैंड सॉज डूंगी टोल मी

एंड वी स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स एंड उसी में अनुराग सर सॉन्ट दैट यू नो दिस सॉन्ग अपर लाइक माई फोन का जैसे गाने रहते हैं वैसे कॉलर तो हम लोग खुश हो गए कि भाई नाइस तो उसके बाद कुछ so, हुआ नहीं उनके पास बट एक नाफि कॉन्फिडेंस कि समबिस्टुड योर जोन एंड देनो तेरा सो आएगा

यू you नो know, सही जगह मिलने में देखे और देखे जब देखे। वो बुरा टाइम चल रहा होता है ना तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत खराब है इससे कुछ खराब हो ही नहीं सकता यू नो you know, उस सबका अच्छा है मेरे साथ ही कुछ नहीं हो रहा है बट सच्चाई ये है कि भगवान या ऊपर वाला जो भी ऑलमाइटी है वो आपको उस रास्ते से ले जा रहा होता है अगर आप मन में ये सोच के रखो कि मेरा मेरा मंजिल है तो इस जैसा वो अल्टीमेटली आपको मिलता है कोई फार्मूला नहीं है कोई एंड सबसे बड़ा फार्मूला पता क्या है सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो लोग भूल जाते वो है नियत नियत अगर कोई चीज़ में खराब हो ना वो कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं सकता और होगा भी ना वो रहेगा नहीं सो आप अगर किसी को किसी को जेलस होके या किसी के ऊपर ईगो करके आप अपना करियर बना रहे हो वो कभी नहीं हो सकता और मैं ज़िंदगी में ना वो फॉलो किया हूँ और वही मुझे होप देता है कि ना मैंने किसी का नुकसान किया है मैंने सबको हेल्प किया है

सो so, एक रूम में बैठ के मैं गाने सुना रहा हूँ जस्टिन लिंक दूसरे रूम पे तो हम लोग दोनों को रिप्रेजेंट करता था कौन दे हेट साइनर्स फॉर दिस थिंग सो दैट ऑल्सो डेट्स अनाथ स्टोरी तो नकाश वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड काफ़ी साल आगे से तो नकाश ने मुझे बोला ब्रो तू अगर ऐसे बैठ के करेगा ना कोई तुझे सुनने वाला नहीं है तुझे ना एक टीम चाहिए तब मैंने बोला ब्रो ये टीम कैसे होता है बोला नहीं nah, जो तुझे लेके जाएगा तुझे सुपरवाइज़ करेगा कहाँ मीटिंग करना है बिकॉज यू कॉन्ट

तो ही सेड लिसन आई डोंट वांट दैट ट्राई आई वांटेड टू मीट यू बिकॉज आई लाइक योर वाइब तो पहली बार समझ में आया कि कोई वाइब देख के मिलने आया है मतलब काम है कि नहीं मुझे पता नहीं तो मैंने बोला ब्रो चिल लेट्स डू समथिंग तो ही टोल मी सी आई एम डूइंग अ फिल्म एंड आई थिंक यू डू डांस सॉन्ग बट आई हैव अ फीलिंग दैट यू कैन ऑल्सो कंपोज रोमांटिक ट्रैक्स सो आई सर आई कैन ट्राई तो ही टोल्ड मी देर इज दिस सिचुएशन द फिल्म आलिया भट्ट इज देयर एंड दिस एक्टर इज देयर एंड रोमांटिक सॉन्ग है एंड आई वॉन्ट समथिंग फोक ओरिजिनल फोक सॉन्ग वो ठीक है सो ही वेंट बैक आई मेड अ सॉन्ग एंड आई कॉल्ड हिम द नाइट आई सेट डिस आई मेड द सॉन्ग ही है सच्ची में हो गया गाना बना दिया बोला हाँ वो लिख दिया बोला हाँ मैंने खुद ही लिख दिया अभी बोला अच्छा ठीक है मुझे भेज दे तो आई सेंट हिम हिरे न आंसर वन डे पास टू डेज पास हो रहे तो मुझे लगा होगा ही नहीं होगा देनी कॉल्स मी सेड यू नो वॉट इट्स अ वेरी बैड सॉन्ग ब्रो आई एल टेल यू ऑन योर फेस आई एम वेरी ट्रांस विट टू इट्स नॉट आई प्ले इट टू सर सर सेट वॉट इज दिस तो आई टोल्ड नो प्रॉब्लम आई एल मेक अनदर ट्रैक सो he गॉट्स कैड ही इज टेलिंग मी आई थॉट यू विल सेट यू नो वाई ऐसा है आई सेट नो ब्रो इफ इट्स नॉट वर्किंग आई एल मेक अनादर वन बोलो नो

करंसर वटेड अ सॉन्ग टू बी रिक्रिएटेड ना आई न्यू दैट रिक्रिएटेड मतलब रीमेक्स हुआ तो मैं तो बचपन ही करता था इट व्यू हिंदी गाने लेके तो अजीम अली टोलो संबडी हैज़ डन दिस ट्रैक बट आई फील दिस इज नॉट अ जॉना रिक्रिएशन का तो आई सेट ओके लेट मी हियर इट आई हॉड इट आई सेट या यूर राइट बिकॉज दिस इज लाइक इफ दिस कम्स आउट इट विल भी डिजास्टर तो

I said good let let him also jam. So me, Azim and Batsa we started jamming. Then he sent me a groove which I liked. I said okay let me change the sound of it. The song made, so मैं ऐसे बैठ के पूरा गाना ready किया. It took me like two three days to make it. And then I said listen the song is done. ये लोग आना इसके बाद आप मुझे ढूँढना मत क्योंकि मुझे पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है. ठीक है मैंने दे दिया. And Azim played it to Sir and the team. एंड द फर्स्ट रिएक्शन वॉज क्या है वॉई इज इट सो खाली वेर इज ऑल द वीड्स ठीक है तो अजीम सेज वेरी गुड इन लिसन इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ट्रेंड दिस इज द ट्रेंड एंड ट्रस्ट मी दिस गोइंग टू वर्क एंड सम हाउ वी गॉट द ट्रैक अप्रूव्ड एंड इट गॉड रिलीज्ड मुझे अभी भी याद है मैं मुक्तेश्वर मंदिर में था मुक्तेश्वर इज इन जूहू शनी मंदिर देयर इन साइड मोमोज ऑल्सो देयर एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम सोनी दैट आई होप यू डिट कॉमेंट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट रिक्रिएटिंग बिकॉज यू नो आई नेवर न्यू हाउ टू राइट अ सोशल मीडिया टैग सो मुझे पता नहीं मैं क्या लिखूँ उसमें कि थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ये तो वो आगे से मुझे वॉर्न कर रहे थे कि डोंट राइट एनीथिंग जस्ट विल टेल यू हाउ टू हाउ टू मेक दिस वर्क बिकॉज इट्स अ रिस्की थिंग दैट वी आर डूइंग एंड दे रिलीज द सॉन्ग एंड आई स्टिल मतलब आई एम स्टिल इन दैट एयर वन आई वेंट टू क्लब दैट नाइट माई फ्रेंड्स टूक मी एंड द सॉन्ग दैट वॉज प्लेइंग ऑन लू वॉज अम्मा अम्मा विथ दैट बीट विथ जुबिन वॉयस एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट सी हाउ इट्स हाउ दिस थिंग कहाँ से शुरू और कहाँ पहुंच गया शुरू में थोड़ा ट्रोल हुआ था मुझे ले ले भी पता नहीं कि ट्रोल कैसे होता है Or, it, कि, अच्छा, like it, like वैसे तो स्टेज में भी गाता हूँ किसी को ये गाना पसंद है किसी को वो गाना पसंद है मैं तो मेरा काम करता रहता हूँ लेकिन मुझे हैप्पीनेस उसमें था कि इट स्टार्टेड प्लेइंग एवरीवेयर एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट आई हैव बिकम रूट फॉर ंग जेनेशन टू अंडरस्टैंड टू एक्सेप्ट ओल्ड म्यूजिकुडन से ओल्ड म्यूजिक आई आई से रेट्रो मे बी ओरिजिनल म्यूजिक इन अ वेरी क्लब फॉर्मेट सो दैट इट कैन रिप्रेजेंटेड टू द यंगस्टर्स क्योंकि उनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है इंस्टेंट वी दे नीड समथिंग विच विल स्पार्कअप वेट फॉर अ मुखरा देन अ क्रॉस देन सॉन्ग लाइन देन द हुक

बट द ओल्ड सॉन्ग ऑल्सो वर्क दैट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द सोशल मीडिया इट्स देर अगर वो रिमूव करके उसको वॉश आउट करके मैं ये करता देन दैट वुड है क्रेडिट फॉर इट सो दैट इज हाउ माई रिक्रिएशन स्टार्टड एंड उसके बाद आस्ते आस्ते देन तीसरी स्कीम एंड ऑफर्ड मी दैट यू नो वील गिव दिस 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 एंड सो आई टूक ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट गिविंग सॉन्ग्स

सब मेरे को फोन कर रहे हैं बोल रहे हैं रिक्रिएट करो hmm. बट मेरे को रिक्रिएट करना है इट्स ओके okay. hmm. मेरे को ओरिजिनल भी करना है ओरिजिनल hmm. तो करो ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ बीच में थोड़ा होता था पहले देन आई वोट आई इज दैट आई सेड ओके इफ आई डू से लुड गई मेक इन अ अ पॉइंट दैट आई मेक अम्पोजिशन बिफोर दैट विच लैंड लुडगे करेक्ट सो दैट इज हाउ माई क्रिएशन माई ओरिजिनल स्टार्ट कमिंग कि मैं पहले कंपोज नया कर लेता था उसके बाद ज्वाइनिंग तो मेरा एक स्कूलिंग uh, हो गया एक्चुअली बेसिकली

हाँ सो आई लव दैट एंड ऑरिजिनल इज़ माई प्रायोरिटी इन माई लाइफ बिकॉज अगर मैं कुछ रख के जाना चाहता हूँ वो तो ऑरिजिनल सॉन्ग्स ही है जो मैं कर रहा हूँ मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट है ना पुराने वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे हमारे लोगों के लिए वो उसमें आ, उनमें आस्था थी उनके लिए वो गानों के साथ इमोशन जुड़ा है तो ये गाना अगर हम हमाम फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बच्चे थे तब गाना रिलीज हुँ। हुँ। हुआ था तो हमारे जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं ना सबको उस गाने के साथ कुछ यादें जुड़ी हुई है

can break internationally. I That's think Gaayla like yes. Vishal can break it. True. Look at the sound, the sitar and sarod playing in a tribal track. It's like oh. <laughs> True. You know. आपको पहली बार पहला कौन सा original गाना आपका मतलब successful बनोतरस वैगर was also. Yeah, so बनोतरस वैगर was the original song, but again hook was inspired from राजस्थानी uh, folk. बनोतरिया क्या सुर में दानी. हाँ सुर में. बचपन से सुनते हैं मुलुक करें. So that was there and. But that time I didn't know that it's a recreation, because it was just a hook. Yeah, But मेरा मेन था लिरिकली दैट सॉन्ग राइटिंग वॉज रिटू डिफरेंट बट वे माही वे माही नहीं माई फर्स्ट ऑरिजिनल वॉज बोलना एंड बिफोर बोलना वॉज एक्चुअली वास्ते बिकॉज वास्ते आई मेड टू थाउजेंड फाइव और 6। I, it is the third or the fourth most viewed song on YouTube ever from India. को तो बनो तेरा सॉन्ग है कि मैं आपको बोलता तो ब्रिजेश वॉजर आई वॉज बचपन से आई 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 स्पिरिचुअल बिलीव बिलीव इन इन गॉड ऑल दिस थिंग्स तो वन डे सेड दैट दादा एक काम करते हैं हम लोग चार साल से काम कर रहे हैं कुछ नहीं रहा है आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग बट आप और मैं ना एक स्पिरिचुअल ट्रैवल में जाते हैं तो so, मैंने विजेश बोला ब्रिजेश मेरे पास ना पैसे और ना मैं कहीं ट्रैवल कर सकता हूँ तो बोले एक काम करते हैं हम लोग ना तेरह ट्यूजडे सिद्धि विनायक जाते हैं वो तो ठीक है नो no प्रॉब्लम तो हम लोग सुबह को उठते थे मैं और विजय हम लोग निकल जाते थे सीधे विनायक और ऐसे करते करते छ महीने हो गए और कभी कब कभ थर्टींथ डे चला गया हम लोग को पता ही नहीं वो एक एक रूटीन बन गया जिंदगी में एंड सडनली आफ्टर सिक्स मंथ्स वी गेट बन हो वीर विजय द सॉन्ग एंड आई हैव इट एंड देन वी कैलकुलेटेड दैट इज इट बिकॉज वी वेंट देर समथिंग मस्ट एव ट्रू

उतना पानी नहीं बट इतना तक पानी एंड आई एम सिटिंग ऑन द चेयर ऊपर बैठ के एंड ब्रिजेश आई पुट इन द कबर्ड एंड ऊपर से चद्दर डाल दिया वो फोटो भी मैंने डाला था इस दर। तो चद्दर डाला हुआ चारों तरफ एंड माइक लेके कर दरवाजा बंद करके उसने hmm. बनो तेरा टाइगर वो उसमें गाया गाना जब फाइनल मिक्स पे गया तो मैं उसको बोला अभी तो पैसे आ गए तो यशराज हम लोगों ने बुक किया लेट्स डब इट डेट बोला हाँ दादा जाते हैं हम लोग ने बहुत मेहनत करके दो दिन डब करके किया आनंद सर को गाना दिया आनंद सर सुन के बोल रहे हैं अरे ये कैसा गाया है वो वाला गाना जो था उसका साउंड अच्छा है वो गाना डाल दो <laughs> तो मैं बोल सर वो जो गाना है ना वो एन्वायरमेंट अच्छा नहीं था बोलो नहीं वही गाना जाएगा उसी में ही फील है तो हम लोग ने वो गाना रिलीज़ किया और हम लोग जब भी बैठते हैं रिलेशन हम सोचते रहते हम लोग ने कैसे डाला गाना डब किया था और कैसे हुआ था इट्स जस्ट द वाइब So, I, I, I completely agree मेरे से दुनिया के नॉट जस्ट इंडिया दुनिया के जो बेस्ट काम है hmm. वो वाइब और एनर्जी से, से होता है कैन बी I mean, जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट इक्विपमेंट बेस्ट स्टूडियो बेस्ट इन्वायरमेंट में बैठ के अच्छी चीजें बना सको दैट्स व्हाई इट्स क्रिएटिविटी या जस्ट दैट बटन वो प्रेस hmm. हो जाता है और वो फिर करेक्ट इट शाइंस और ऐसा होता भी है ना कि कभी कभी कोई आदमी से आप मिलते हो hmm. uh, उसके बारे में सब कुछ अच्छा है अच्छा दिखता है अच्छा बोलता है hmm. आ, अच्छा नाम है सब कुछ अच्छा है फिर भी अच्छा नहीं लगता गाने वॉइस सबके साथ कुछ होता है दैट दैट ऑरा क्रिएट्स यू नो ट्रू ट्रू जो दिखता नहीं है चीज़ है वही चीज और कितनी कमाल की जर्नी है जब आप बोल रहे थे ना कि आप लोग बनो त्रेस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे पानी के अंदर तो ये सिर्फ परस्पेक्टिव है कि कुछ लोग ना इसको बहुत बड़ी स्ट्रगल मान सकते हैं hmm. कि यार मेरा हालत बहुत ख़राब था मैं पानी के अंदर ऐसे करके किया बट आप आप उसको इन्जॉय कर रहे हो नहीं मैं बता रहा हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा इन्जॉयमेंट मैं उस तकलीफ में काम किया ना मुझे वो तकलीफ से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस बहुत प्यारा लगता है तो हम लोग कभी भी कुछ भी बात करते हैं हमको हंसी आती है वो सुन के और मज़ा भी आता है कि देखो हम लोग ने गाना इधर बनाया और देखो गाना सब जगह बज रहा है भाई अभी आपकी अगर पूरे जर्नी से हम बोलें कि सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है जो आप हमेशा याद रखते हो बहुत सारे लर्निंग्स है सबसे पहला लर्निंग तो मुझे ऐसा लगता है कि आ, कभी भी कोई अगर मतलब मेरे साथ भी होता था कि कोई अगर कोई रेफरेंसेस गाने का आ, जोन दे रहा है तो मुझे एज अ डायरेक्टर सोचना बहुत जरूरी है कि उसको चाहिए क्या नॉर्मली क्या होता है हम लोग डेमो बनाते हैं फिल्म के लिए काम कर रहे हैं हाँ, हाँ हाँ फिल्म का ही फिल्म का कर... ही पकड़ लीजिए तो क्या होता है नॉर्मली कोई नया सपोज कोई नया कंपोजर है उसने बहुत अच्छे गाने बनाए घर पर बैठ के बट वो फिल्म में नहीं जा रहा है व प्लेस नहीं हो रहा है तो उसमें तकलीफ हो जाती है वो सोचता है अच्छा मेरा गाना ख़राब है पिक्चर में क्यों जाए क्यों नहीं जा रहा बट ऐसा हो सकता है कि वो गाना पाँच साल बाद कोई ऐसे फिल्म में जाए जहाँ डायरेक्टर के साथ वो विजन मैच हो रहा तो मेरे लिए ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट था टू तो अंडरस्टैंड वट द डायरेक्टर वनस एंड देन मेक अ सॉन्ग अकॉर्डिंग टू दैट सो so, ये मेरा पहला लर्निंग है टू अंडरस्टैंड वॉट दे वॉन्ट एंड गिव एग्जैक्टली दैट एंड लेटर एड योर एलिमेंट्स इन इट एंड सेकेंड है कि मैं किसी को एज आई टोल्ड यू अगेन किसी को काट के या किसी के बारे में गॉसिप करके और ये करके उसको निकाल के चीज हासिल करना नहीं चाहता हूँ कभी अगर मुझे वो मैं रिजर्व करता हूँ अगर मेरी डेस्टिनी है तो मुझे मिलेगा डेस्टिनी नहीं है तो नहीं मिलेगा तो बस दैट इज वट आई बिलीव इन एंड कोई भी गाना अगर मेरे से हो नहीं रहा है मे आई कीप ऑन ट्राइंग फाइव टाइम्स टेन टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स आई गिव इट अव इट अ ब्रेक एंड इवन देर इज टाइम लाइन एंड इवन इफ देर इज दैट गाना मेरा होगा नहीं कोई और करेगा मैं, मैं इसको ब्रेक देता हूँ क्योंकि मैं इतना सोच के कुछ काम करना नहीं चाहता हूँ हाँ इट हैज कम नेचुरली आई डोंट हैल्फ आई हैव टू मेक अ गुड सॉन्ग करेक्ट विच पीपल विल अप्रिशिएट अगर मैं एक खराब गाना बना के छोड़ दिया और बाद में मेरे फ्यूचर में बच्चे जाके सुने नहीं, कैसा गाना बनाया कोई फ्रेंड सुन के आई फील एम्बेस अबाउट इट आई डोंट टू डू दैट सो आई मेक इन दैट आई डू गुड क्वालिटी अगर नहीं हो रहा है आई लीव इट सुपर सो मैं जैसे ये तो आपके लाइफ के सबसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं फिर आपने अजीम का नाम मैं आपने अनुराग कश्यप सर के साथ स्टोरी बताई आपने आनंद एल राय सर के साथ स्टोरी बताई और भी ऐसे कोई लोग हैं जो आपको लगता है कि आपकी इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया रिस्पेक्ट मैन बिकॉज ऑफ थिंग बट जो कैंप जिसको hmm. बोलते हैं उन्होंने काफी लोगों को मौका दिया और सालों से hmm. सालों से, से सालों सो आई वेंट टू महेश जी महेश जी हर माई सॉन्ग एन ए सैड बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता तेरा कुछ नहीं हो सकता मैं बोलना क्यों नहीं हो सकता बोलते तेरे अंदर है ही नहीं होगा तू जाओ इसको लेके जाओ इधर एंड ही आउट मोस्टली लाइक दैट गो वे आई वेंट एट आई वॉज लाइक वेरी सैड आई मेड अ सॉन्ग सो ब्यूटीफुल आई लाइक ये लाइक इट यू टोल्ड मी टू गेट आउट No problem. I went back. I composed one song. Okay, sadness mein. And exactly after two years, I went and met him. udhar and then he said, and he forgot also. He said, "Ha, Then I played that song, and Maheshji was and Mukeshji. Maheshji was sitting in the inside room, and Mukeshji was outside, and Puja ma'am was also inside. Suddenly Mukeshji got up.

उस मोमेंट पे जरूरी नहीं है कि उसको आपका कोई काम पसंद नहीं आएगा अगर कोई आपको पसंद नहीं आया तो नहीं। ऐसा भी नहीं है कि किसी और को पसंद नहीं आएगा एग्जैक्टली exactly. तो जब भी कोई आपको जेनुनली ये बोले कि आपका काम मुझे अच्छा नहीं लगा नहीं। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आज भी बहुत आर्टिस्ट आते हैं जो गाना गाते हैं मैं उनको ऑनेस्टली बोलता हूँ कभी बुरा लग जाता है उनको बट मैं उनको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि आप पहले सीख के थोड़ा इफ यू गो विद दिस एंड देन यू विल थिंक दैट

नहीं होगा यू हैव टू मेक इट यू योर हार्ड वर्क टू इट करेक्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लाइफ का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था जिंदगी में हर मोड़ पे आया मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे सब लगा कि इजी हो जाएगा चाहे वो म्यूजिक पकड़ना हो चाहे वो कॉलेज में जाके शोज करना हो चाहे वो उधर से बॉम्बे आना हो दिस इज नॉट ए इजी डिसीजन ट्रू ऑल इट्स वॉट इज द डिफिकल्टी आई टेल यू Coming to Bombay, the difficulty was mom, dad over there, sister there, who is going to take care? I am away. I am missing out so many years away from them and doing something which I don't know whether I will get it or not. So it's obviously, obviously difficult. But I took it in the other way that if I go there and I make my career and I uh, fulfill all my dreams, my mom's and uh, dad's dream will be fulfilled. Because their journey from their route to Calcutta and from Calcutta to Bombay. एवरी थिंग इज लिंक जी नो मैं आप जब हम लोग शूट करने वाले थे तो आप जब रेडी हो रहे थे तो मॉम यहाँ पे है। hmm. मैं मॉम से बात कर रहा था एंड मैं उनको बोल रहा था कि ये बुजब सर है इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर एनी बडी कि मम्मी ने बोला कि मैं ज़्यादातर साथ में जाती हूँ तो मेरा कोई भी इंसान जब वो कहीं पहुँच जाए कुछ काम कर रहा हो अगर माँ बाप का साया और आशीर्वाद आस है ना आप कितना भी अचीव कर लो hmm. पैसा नाम शोहरत वो फीलिंग ही अलग है इट्स सो एंड शी मस्ट बी फीलिंग सो गुड एवरी डे यू नो सिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड एवरी सॉन्ग दैट गेट रिलीज ना माय मॉम इज द फर्स्ट व्यूअर ऑफ इट मैंने पहले भी वो सुनती है बट वो पांच बार सुन चुकी है गाना बट जब गाना रिलीज होता है ना तब शी एक्ट्स लाइक अ फैन ऑफ माइंड

आई गॉट माई फर्स्ट अवार्ड फॉर आई थिंक बद्री की दुल्हनी आई गॉट अवॉर्ड एंड मी एंड अजीम वी वेट अजीम ऑल्सो सेम ठीक है वी आर वेरिंग चप्पल ठीक है शॉर्ट्स वूडी एंड वी वेंट टू टेक अवार्ड ठीक है वी वेंट इन साइड एंड पीपल एंड पीपल डोट नो ऑब्वियसली एंड आई वॉज टेलिंग अजीम अजीम मेरे को ना बहुत फीलिंग आ रही है कि ये ना माहौल अपने नहीं आया <laughs> <laughs> एक काम करते साइड में जाते चाय पी के निकल जाते ठीक है हम लोग स्टेज की तरफ जा रहे तो संवर्टी दिस इज अजीम इंटरव्यू हम लोग शॉर्ट स्पेन के इंटरव्यू दे रहे हैं पता भी नहीं क्या बोल रहे हैं एंड यू नो आपको अवॉर्ड मिलना है आप प्लीज ये स्टेज पे जाना है एंड वी वॉक टू अदर द स्टेज एंड अजीम इज लाइक डू इट स्टेज में जाते जाते जातेम ब्रो so मुझे लग

ने फोन किया कि गाना रिजेक्ट हो गया hmm. जब ऐसा सच में रिजेक्ट होता है उस टाइम hmm. तो मज़ा आता है हाउ डू हैंडल आई लव इट बिकॉज दैट इज वॉट आई लाइक पहली बार अच्छा लग जाता है ना तो फिर डाउट करता हूँ कि अच्छा क्यों लग गया <laughs> 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 मैं तो सोच रहा था इधर मैं चेंज करूंगा तो अगर रिजेक्ट होता है ना, तब मुझे लगता है इट्स अ प्रोसेस एंड आई आई स्टिल नो दैट इफ व

या यू वर्क रैंडमली ऑन अ सॉन्ग एंड जस्ट मेक इट नो आई आई लव ऑन ब्रीफ बिकॉज क्या होता है मेरे अंदर भी एक पैशन है जो पैशन मैंने काफ़ी टाइम से छुपा के रखा है एंड आई रियली वॉन्ट टू गेट ऑन टू इट वेन आई क्लाइम द थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर इन माई करियर सो आई वॉन्ट टू बिकम अ डायरेक्टर एंड एंड आई हैव वर्कड विद माई डैड इज वर्क तो मेरे दिमाग में ना आर्टिस्टी एक डिरेक्शन का है तो कभी मैं जब ब्रीफ लेता हूँ ना आई सी अ फिल्म इन फ्रंट ऑफ मी कि अच्छा ये सिचुएशन है मैं खुद ही बना लेता हूँ कैरेक्टर्स उसमें एंड देन इट हेल्प्स मी प्रोड्यूस अग कि ओके द जॉनर शुड बी दिस एक अलग सा होता है और कोई ब्रीफ नहीं रहता है तो फिर वो ब्लैंक हो जाता है फिर आई डोंट नो वॉट टू पेंट सो ब्रीफ इज इम्पॉर्टेंट लिरिक्स पे कंपोज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लिरिक्स में एक छंद होता है दैट गिव्स मी आइडिया टू मेक अ सॉन्ग अगर बहुत बड़ा लाइन है तो उसको तोड़ के कैसे मैं उसको एक टीम में बैठाऊं तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है आई लाइक डिफिकल्ट थिंग्स मोर देन इजी अगर आपको ये अच्छा लगता है ना वैसे मेरे दिमाग में आइडिया मैं बोल रहा हूँ विदाउट थिंकिंग टू मच कि हमारे देश के ना बहुत बड़े बड़े कवि रहे हैं और बहुत बड़े बड़े शायर रहे हैं हंड्रेड और मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक शायरी या कविता पे भी गाने बने आई वर्क विद बनेस जिस एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि गाने ना कुछ गाने होते हैं एक दिन चलते हैं hmm. आजकल तो अटेंशन स्पैन कम हो गया 100%. हिट गाने कुछ नहीं एक हफ्ते दो हफ्ते चलते हैं लेकिन कुछ गाने जो 40 साल 50 साल चलते हैं ना वो सारे गाने वही होते हैं जिनके लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं अगर आपको लिरिक्स पे धुन बनाना पसंद है तो आपको ये करना चाहिए कि जो हमारे लेजेंडरी शायर हैं उनके का लेजेंडरी कवि है और उनकी जो सबसे सिंपल यू नो मोस्ट मीनिंगफुल कविताएं हैं या शायरी हैं उन पे आप गाने बना सकते हैं आई रिसर्चिंग ऑन दैट कि थोड़ा सा अभी क्या होता है कुछ शायरी ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता लैंग्वेज इतना तो मैं टॉट नहीं हूँ कि उर्दू मेरे पूरा आता है तो जो मैं रिलेट कर पाता हूँ उसी के ऊपर मैं कोशिश करता हूं. तो आई एम ट्राइंग टू स्टडी द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और देखिए आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपने कभी स्ट्रगल को स्ट्रगल समझा ही नहीं ना? है ना लेकिन हम ये बोलते हैं कि स्ट्रगल नहीं प्रॉब्लम्स होती है जैक बार जब आदमी के पास थोड़ा पैसा हो जाता है थोड़ा नाम हो जाता है।, है काम मिलने लग जाता है प्रॉब्लम्स तो उसके बाद खत्म नहीं होती है करेक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम्स आती है किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है पर्सनल प्रॉब्लम नॉट ऑल म्यूजिशियर है इन देयर पर्सनल लाइफ ठीक है अभी रीजन माइट बी एनी थिंग ठीक है फॉर मी आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ इट्स द वे इट इज गोइंग बट समवेर आई फील दैट आई एम नॉट गिविंग टाइम टू द फैमिली और मे बी आई आई एम नॉट गोइंग टू लिव फॉर टू हंड्रेड इयर्स दैट मैं चालीस साल काम किया चालीस साल ये किया ये मेरे टाइम भी अपना स्पेंड करना तो आई एम आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ इनफैक्ट विद मॉम ऑल्सो आई डोंट गेट टू मीट हर मच बिकॉज स्टूडियो में बैठा हुआ तो अपना लाइफ थोड़ा सन्यासी लाइफ है यू नो अंजारा लाइफ है लाइफ है टू द मोमेंट यू थिंक ऑफ फैमिली इट्स लाइक अ ब्लैंक थिंग यू आर नीदर यू आर सपोर्टिंग द फैमिली विद फाइनेंस एंड एवरी थिंग बट यू आर नॉट एक्चुअली एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ द फैमिली सो दैट्स अ बहुत emotional होते हैं musicians भी. वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं सब कुछ सो देर इज अ वेरी टफ थिंग मतलब बिग अ म्यूजिशन इज नॉट अजी टास्क अब अगर मैं आपसे पूछू कि ऐसा कौन सा सवाल है जब भी कोई आपसे पूछता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है

वट इज नॉट हैपनिंग एंड आई अंडरस्टैंड दैट शी दैट पैशन इन साइड तो वैसे ही सब जो भी आते हैं मेरे पास उनका पैशन रहता है उनका क्वेश्चन रहता है कैसे हो गया अरिजीत सिंह कैसे बन गया किसी कैसे बन गया मैं बोलता हूँ उसके पीछे इट्स अ लाइफ लॉन्ग इट्स अजमेव टू गो थ्रू दैट आई कैंट एक्सप्लेन की अच्छा उसने ये प्रोसेस अप्लाई किया तो जाके हुआ कोई फॉर्मूला है नहीं एवरीबडी हैजर ओन टाइप ऑफ प्रोसेस दैट है लाइक माई डैड वॉज द बेस्ट म्यूजिशियन वर्क विद सलील चौधरी आर डी बर्मन एवरी वजा सर बट समाउ वेन ही पास्ट अवे आई फील दैट ही कूडन अचीव वॉट ही वॉन्टेड टू ऑनेस्टली स्पीकिंग वॉट ही न्यू अबाउट म्यूजिक नो बडी नोज मतलब मुझे भी पता नहीं है कि क्या क्या वो करके गए तब मुझे बहुत सैड फील होता है कि क्यों नहीं हुआ ऐसा ऐसा क्यों इतना टैलेंटेड आदमी इतना स्ट्रगल किया नहीं हुआ फिर मुझे रियलाइज होता है नो यू नो टू मी हिज पार्ट ऑफ द अचीवमेंट गॉन टू मी करेक्ट सो आई टेक एवरी थिंग लाइक दैट इट्स अलग मे बी इज नॉट मेंिस मे बी रहमान इज नाउ रहमान मे बी टेन लाइफ कार्मिक लाइफ स्ट्रगल्ड टू अचीव दिसन इट ना टू कंपनी दैट इज द मेन सुप्रीम पावर ही गाइड्स तो इफ समथिंग इन गोइंग टू कम आपके जिनको आप सच में दोस्त कह सको hmm. कि जब आप बहुत खुश होते हो उनको फोन करते हो hmm. बहुत दुखी होते हो उनको फोन करते हो hmm. बहुत कंफ्यूज होते हो उनको फोन करते हो कुछ भी फील नहीं करो तब भी उनको फोन करते हो hmm. वो दोस्त कौन है आपके म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑनेस्टली कोई नहीं <laughs> क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मैं आ, मेरे दोस्त है नहीं सब दोस्त बट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ और ना ही मैं answer कर क्योंकि मैं दोस्त को बोलूंगा ना कोई गाना अगर सुनाऊंगा कि बोलूंगा ब्रो ये गाना हिट हो गया तो इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग नो तूने क्या अच्छा बनाया तूने ये बनाया किसी को बोलूंगा बोला अच्छा इसमें ना ये खराब है. है तो दैट यू नो

That's Mom is there. Yeah. और हम क्या गाना बनाने की बात कर रहे हैं hmm. तो हम लोग थोड़ा गाना बनाने के प्रोसेस के बारे में ब्रीफ एंड सेकेंड इज दैट आई नीड टू फिगर आउट क्या होना चाहिए एंड बचपन से वेरी रिदम एक पर्सन की मुझे डांस करना अच्छा लगता है बीट पे वो मुझे सिंक लगता है तो विजुअली ऑल्सो आई स्टार्ट सींग दिस दैट अच्छा अगर ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट होगा तो उसमें बीट्स क्या बनेंगे कौन सा पैटर्न में बनेगा सो दैट इज माई फर्स्ट स्टेप टू फिगर आउट द पैटर्न ऑफ द सॉन्ग सो यू इमेजिन अ अ सॉन्ग सॉन्ग इन इन योर योर माइंड माइंड लाइक दैट दैट वेदर आई आई इमेजिन द पैटर्न फर्स्ट एंड उसके बाद उसका कॉर्ड फॉर्मेशन फिर कॉर्ड्स करके जब होता है तब म्यूजिक बनते हैं बट बेसिक स्केलेटन इज द बीट्स द राइट तो भाई आपने बताया कि ब्रीफ पे आपको काम करना ज़्यादा पसंद है अब मतलब जनरली आप जब गाने बनाते हो तो क्या आप अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से भी इंस्पायर होते हो या यूज़ करते हो हंड्रेड परसेंट तो ऐसा कोई गाना है जिससे कोई जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर गाना बनाया हो बहुत सारे गाने बट उसमें आप ये बोल सकते हो एक गाना मेरा मेरा फेवरेट गाना है जिसको मैं <coughs> जब मैं लिख रहा था गाना तब तभी से मेरे अंदर एक ना स्पिरिचुअल एक कनेक्ट हो रहा था कि मैं म्यूज़िक जो है म्यूजिक को कौन सा नाम दूँ यू नो इज़ इट सम रिलेशनशिप विथ सम गर्ल इज दैट द सॉन्ग और इज सम रिलेशनशिप विथ गॉड और इज रिलेशनशिप विथ माई मॉम एंड डैड एवरी लव सॉन्ग कैन नॉट बी यू एंड मी यू गेटिंग मतलब सॉरी इट विल बी यू एंड मी इट डजन हैव टू बी अ गर्ल एंड अ बॉय करेक्ट सो राइटिंग नो वॉट टू राइट सो आई स्टार्ट सॉन्ग की ये भी ना जाने वो भी ना जाने के रंग नैन आई जाने सो देन आई द दॉट देन आई ग्रेजुअली स्टार्ट राइटिंग 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 विद ऑल्सो की थिंकिंग वॉट टू राइट एंड देन मै नथिंग कम्स देन दैट नथिंग इज एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स टू डी सो दिस इज हाउ इट एंड सम सॉन्ग तो बन जाते हैं। और आपने बहुत सारे अपने गानों के लिरिक्स भी लिखे एक्चुअली hmm. बहुत एज ए लिरिस्ट आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं hmm. आप समझ में नहीं आता बट बहुत सारे सक्सेसफुल गानों के लिरिक्स भी आपने लिखे हैं। और आपने बोला कि म्यूजिक प्रोडक्शन आपने बहुत दिन किया hmm. तो टेक्नोलॉजिकली कली आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडवांस hmm. और अपडेट होती है तो आप अभी कौन से कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करते हो आई वर्क इन एवरी पॉसिबल टूल्स दैट इज देयर बिकॉज मैं एक चीज़ करता हूँ फिर नेक्स्ट डे में आई कीप ऑन ट्राइंग कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में एक स्पेशलिटी रहेगा ही रहेगा तो कुछ सॉफ्टवेयर के एक प्लग जो है दैट इज आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग विच इज विच कैनॉट बी अ थर्ड पार्टी प्लग इन इट हैज टू बी इन दैट सॉफ्टवेयर सो मैं वो सब करता रहता हूँ तो मुझे लॉजिक इज माई बेस पहले न्यूनडो क्यूबर्स था

तो ऑफ हो गया एंड आई एक्सपेरिमेंट अ लॉट विथ लिटल हार्डवेयर समिंग मिक्सर सो मुझे जानना था कि समिंग मिक्सर का वॉट इज द डिफरेंस ऑफ अ सॉन्ग पासिंग थ्रू अ चैनल स्ट्रिप एंड गोइंग इंटरनली बाउंस तब मुझे समझ में आया कि दोनों में अंतर तो है बट इतना ज़्यादा अंतर नहीं है इट्स इन द डेस्को यू कैन गेट द सेम साउंड इफ यू गेट द हार्डवेयर सेटेबल यूर डूइंग इट अल्टीमेटली नो बडी नोज यू कैनॉट डिफरेंशिएट कि डिजिटली बाउंस किया हुआ है वट इज यॉजिकली क्योंकि मुझे पता है म्यूजिशियस ना कोई भी नई चीज़ आती है तो उससे थोड़े दिन एकदम प्यार में पड़ जाते हैं सो माई सिस्टर वॉज वर्किंग इन ए आई

Anybody's voice into anything. But the, If you want Arjit Singh to sing a song for you, and yeah. I have sung it, you can do it, because it is a, um, you can say it's a very detailed uh, system. Is it publicly available now? It is there. People are using it, but legally, I think it's not uh, approved because you cannot take somebody's. Yeah, you cannot release uh, it. You, cannot you can use it, it for sure. And uh, people started doing it a lot recently, but I didn't do it. You know. I didn't yeah. want to do it because that's not. But I keep on experimenting. Like again, there is a software which is called Musically. It's a it's a uh, website I think where you can sing a part and you will get a music instrument on it. Yes. So what happens if you want to hear something? You want a Saringi, So you just hum it and it will become a Saringi. So AI can be used in this way. But again, I'll tell you to use AI, you have to be a human first. True. Oh. So everything AI cannot do, whatever you are feeding in it, it will come up so i am trying to use ai now to help me make my work little easier and to make a good reference track basically and do you think ai is going to help the industry or yes. destroy the industry see again there are two sides to it now you have to decide how you are going to use it are you going to use it as a weapon to destroy or as a uh, source for new inspiration so merely ai is the inspiration thing

मैंने एक्चुअली रिसेंटली किसी से ऑफलाइन बात कर रहे थे तो उनको बोला था कि पहले स्टूडियो सेशन होते थे हम गिटारिस्ट सबको बुलाते थे आजकल स्टूडियो सेशन पहले से कम हो गए अभी ए आने के बाद और आ, कम होगा लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है आज भी तापासदा को तो बुलाया जाता है हंड्रेड परसेंट और ऐसे कितने म्यूजिशियंस हैं उनको बुलाया जाता है अब

इन सबका कोई पर्सपेक्टिव या अप्रोच अलग अलग करते हो या सबका सेम रखते हो आप जब सिंगल्स होता है नॉन फिल्म का तो अप्रोच यही रहता है कि मैं वो आर्टिस्ट को स्टडी करूं पहले कि आर्टिस्ट का वॉइस के ऊपर डिपेंड है कि उसका रेंज कैसा है नॉर्मली क्या होता है जब मैंने खुद नोटिस किया है हम लोग कोई गाना बना दिया कोई स्केल में देन वी स्टार्ट फाइंडिंग सिंगर्स हु मैच द सॉन्ग एंड किसी सिंगर का हाई अच्छा नहीं है या छू नहीं पाता है वो नोट लोज अच्छा है तो अगेन पूरा स्केल स्केल नीचे करना पड़ता है उसमें क्या होता है एक वाइब चला जाता है क्योंकि हर स्केल का एक वाइब रहता है तो इसलिए मैंने क्या किया है अभी जब भी मैं नॉन फिल्म करता हूँ तो मैं सिंगर के साथ बैठता हूँ जो पहले नहीं करता था एंड बैठ के उनका स्टडी करता हूँ कि अच्छा उनका बी फ्लैट का स्केल है तो मेरे को नोट ऐसे बनाना पड़ेगा जो उनके रेंज के अंदर आए एंड उसी में मुझे वाइब क्रिएट करना पड़ेगा तो नॉन फिल्म के लिए ये मेरा काम इंपॉर्टेंट है एंड फिल्म का जो है इट वर्क ऑनफ एंड ओवर देर स्केल मीडिया तो बाउंस करना होता है so, तो मैं फाइनल वॉइस अप्रूव होने के बाद ही बाउंस मारता हूँ सो ये साउंड ना चेंज हो जाए तो मैं खाली जो ऑडियंसेज है उनको बता देता हूँ कि hmm. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक में नहीं है बाउंस hmm. <coughs> की भी टर्मिनोलॉजी अच्छा है ना <laughs> पहले राइड बोलते थे या मतलब जो प्रोडक्ट को को फाइनली हाँ। या फाइल आप में में किसी भी में डालते फाइनल है, हाँ। जो है हाँ। उस प्रोसेस बाउंस करना, को bounce 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 करना बोलते तो ऐसा फास्टेस्ट गाना आपने कौन सा है, मतलब से मिलना बट तो <laughs>

जाके रिकॉर्ड किया प्रॉपर रेडी हो गया सब कुछ वी केम बैक मास्टर हो गया मिक्स हो गया पिक्चर में बैठ गया लास्ट रिलीज के एक दिन पहले देर वॉज प्रॉब्लम विथ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज हैपनिंग सो एवरी सिंगर वॉट बैंड सो वी हैड टू स्टॉप इट बिकॉज आई ऑल्सो सेट नो आई वी कान डू दिस वी विल्ग वी डोंट वॉन्ट दिस तो हम लोग ने वो कर दिया अभी एक दिन में अपने वो गाना बनाना टेम्पो टू द सेम थिंग सिंगर अरिजीत से गवाना पड़ेगा ठीक है एंड uh, लिरिक्स करना पड़ेगा एवरी थिंग टू बी डन इन वन डे विथ मिक्सिंग एंड एवरी थिंग जो हम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया तो अजीम केम टू तो स्टूडियो एंड ब्रो कर पाएंगे मींस बोलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा रात भर मैं कर दूंगा बोले रात भर नहीं शाम तक क्योंकि मिक्स करने के लिए चार घंटे लगेंगे और डब कैसे होगा मैं वो सब हो जाएगा पेशेंस मैं सुबह बैठा गिटार में आई इट आई रोट द सॉन्ग ठीक है करके मैंने आई थिंक आई मैसेज अरिजीत फॉर सिंगिंग इट एंड आई नो नो वॉट हैपन टू अरिजीत अरिजीत सेंग द सॉन्ग एंड सेंट इट बैक सेम डे इन द इवनिंग अजीम को दे दिया गाना एरिक से मिक्स भी हो गया दे दिया गाना अजीम भी देखा नहीं अजीम बोला मुझे देना है बस <laughs> और कोई मुझे सुनना भी नहीं है हम लोगों हमने पिक्चर में डाला

आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी देन मैंने गाना लिखा कंपोज किया अरेंज किया अरीज ने गा दिया एंड तो. अचीव का भी उसमें सबसे तो, तो, लंबा टाइम किस में लिए लंबा टाइम आई थिंक लेट मी थिंक आख मारे या हम ये दोनों के बीच में होगा

Have you heard this track? And now my friends are working with Ramansa. So, my friend told me that Ramansa always talks about you. I said, How? He doesn't know me. So he said, She said that, you know, so there was a, music, a producer or somebody who came to meet Ramansa and Ramansa was doing some other film. So, he said, You know, I want somebody in Bombay to do this song. And he suggested your name. I said, How is this possible? He doesn't know me. He sends me one small smiley. <laughs>

इतने साल में हर एक इंसान का एज एन आर्टिस्ट इवोल्यूशन होता है एज एन ह्यूमन बींग इवोल्यूशन होता है तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले आपको सही लगती थी फिर बाद में लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो सही नहीं है hmm. तो एज एन आर्टिस्ट कोई ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि चेंज ऑफ था या रिएक्शन हुआ है किसी चीज़ को लेके हाँ तो चेंज ऑफ ये है कि आई 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 वेरी फास्ट इन 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 थिंग्स मेकिंग मेकिंग म्यूजिक ईटिंग वेरी फास्ट सट 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 बिकॉज आई थिंक वो तो पेट भी जाने वाला है <laughs> आ, जल्दी जाए तो बेटर है तो मैं काम कर सकूँ एंड म्यूजिक भी ऐसे में सोचा था कि तुम तो फार, फार कर दे तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना है बट देन आई रियलाइज कि ठहराव बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे किसी चीज में हो करेक्ट सो वो चीज़ मैंने डेवलप कर लिया खुद के अंदर कि इवन मैंने कंपोज आई माइट कंपोज इट वेरी फास्ट बट आई थिंक एटलीस्ट टेन टाइम लिसन टू इट कि इसका वाइब क्या है हाउ आई एम फीलिंग इट

मतलब आप पूछोगे ना क्या नाम है मैं बता नहीं पाऊंगा बट मैं सुनता रहता हूँ आई ऑलवेज इन सर्च ऑफ म्यूजिक विच इज़ नेचुरल एंड ऑथेंटिक एंड विच हैज़ अ मीनिंग टू इट एंड विच हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट एनी हैज है स्टोरी बिहाइंड इट वेदर इज बैड और गुड दैट सॉन्ग हैज टू अपील टू यू तो मैं वैसी आर्टिस्ट सुनता हूँ चाहे वो स्क्रिलेक्स भी हो और चाहे वो डैफपंग भी हो चाहे कोई भी हो चाहे क्विंसी जोन्स हो सबका ना एक स्टोरी है जब वो गाने पे ना स्टोरी दिख जाता है आपको बताऊँ मैकनस गोल्ड एक पिक्चर था तो मैं जब बचपन छोटा था तो पापा यूज टू तो प्ले इट एंड इट्स अ वेरी टफ बैकग्राउंड स्कोर डन बाय क्विंसी जोन्स हु हैज डन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स फॉर माइकल दाइकल तो मुझे पता ही नहीं गुजोन कौन था बट विन स्टार्ट एड लिस्ट टू हिस्स म्यूजिक मैं देखा कि इट्स अ जर्नी इट्स अ डिफरेंट जर्नी वेर ही इज गोइंग वॉट्स इन लाइफ इट्स इन इज म्यूजिक अपट दिसक एंड दिस थिंग टू एवरी सॉन्ग लाइक दैट ना हेज समथिंग टू टेल मी सो आई कीप सर्चिंग दैट तो ऐसे अगर दो चार गाने आपको याद आते हैं प्ले लिस्ट में कौन है प्ले लिस्ट पे सो देर इज अड यू देर इज अहारा ब्लूज आई सेट समू वॉज गोइंग टू मिलिटरी एंड हीट

मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली सबके साथ ही अच्छा लगे आई से दैट मुझे इनके साथ ऐसा लगे बट एवरी बडी हैड अ डिफरेंट टेक टू टुअर्ड्स माई म्यूजिक सो वेन इट्स करन सर आई फील दैट ही गॉट माई क्वॉक साउंड आउट एट द सेम टाइम रोमांटिक भी आई हैव डन फॉर एम बट ही इज़ वन वन पर्सन हु इज स्ट्रेट हु टेल यू द सॉन्ग इज गुड और बैड इज बैड देन यू फर्गेट अबाउट इट यू मेक अ गुड सॉन्ग

मोहित सर इज एन अनदर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म डिरेक्टर बिकॉज मोहित सूरी आई मेट मेट वेन बिफोर ज्वाइनिंग कलेक्टिव एंड हीज नो यू हैव टू मेक यू हैव टू मेक पीपल ट्राई विथ योर म्यूजिक क्या बोलते हैं वो प्यार ना जगाना पड़ेगा लोगों में तो म्यूजिक ऐसा होना चाहिए ना जो सुन के मेरे अंदर वो फीलिंग आए सो मुझे इतना डीप लगता था कि ओ दिस इज लाइक this music which i have to present to him has to come from heart. it just can't come in a one-day composition or a guitar lick. it has he, to. he works a lot on his music. Yeah. Yeah. it has to have some kind of romantic connect to it. so everybody has a part of my music sense. and that is the reason mm -hmm. why i became versatile. so when people say, what is the genre you compose? Uh, what kind of independent artist are you? i tell them, i'm not an independent. i am dependent artist. <laughs> because i am dependent on every <laughs> genre.

Or maybe as a producer for him, a music producer. I want to produce music for him. That's a dream that I have. I want to work more on my culture, more than Western influence. Because people think that, okay, I have to work with Justin Bieber, I have to work with Sam Smith, I have to work with Rihanna. My thing is that that is third in my list. My first thing is that. I have to work for my country. I have to make my country famous. I have to make my country folk reach clubs. Yes, we can export it. Yes. yes. When people are working, making their country proud by doing Afro, Latin, this, India should have their own uh, genre. And because we are so versatile, there's no certain genre over there. Every folk in your country has a different uh, rag on it, on its own.

करेक्ट रिसेंटली uh, आप कोई ऐसे आर्टिस्ट से कम अक्रॉस हुए हो जिसको देखकर ऐसा लगा कि यार ये बहुत सही है चाहे वो लिरिक्सिस्ट हो या प्रोड्यूसर हो कंपोजर हो सिंगर हो कोई भी हो आई आई फील विशाल इज वन आर्टिस्ट लाइक आई नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम विशाल मिश्रा या विशाल आई नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड एज एन आर्टिस्ट आई ऑलवेज फेल्ट दैट व्हेन यू टू सिट विद सलमान भाई एंड सिंग सॉन्ग्स देयर ट मी दैट दर इज वन गाय हु व वेरी गुड कंपोजर बट मैंने उसका गाना सुना ना तो मैंने अजीम को भी बोला कि इसके वॉइस में कुछ तो है इसके अंदर कुछ सोल तो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड यू नो हाउ इट इज हार्ड फॉर सम्बडी मतलब टू गेट इन टू द मार्केट एंड स्पेशली फॉर सिंगर्स वैन देर इज अरिजीत सिंगिंग देर इज जुबिन सिंगिंग टू गेट अ न्यू गाय इन साइड एंड फिट इम देर इट्स इट्स अ जर्नी ऑन इट्स

तानिश बागची लास्ट मेंजन मैटर ना डर इट्स आप सोशल मीडिया यूज करते हो खुद सो आई टी नॉट दैट प्रो इन दिस थिंग दैट आई डेंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बट आई थॉक इट इज नॉट माई थिंग माई थिंग इज सिटिंग द स्टूडेंट मेकिंग अंग सो आई थिंक सोशल म्यूजिक इज अ टेक्नोलॉजीफुलॉर न्यू म्यूजिशियस एंड ऑल टू रीच आउट टू पीपल सो वेन आई वॉज वॉकिंग देर नो सोशल मीडिया आई हैव टू गो माई सेल्फ एंड मीट पीपल एंड प्ले द माई सॉन्ग कि सर मैंने ये गाना बनाया मैंने वो गाना बनाया अंडरस्टैंड बट अभी मीडिया हो गया तो यू कैन जस्ट थ्रो यूर सॉन्ग आउटडी देर इज वॉचिंग यू एंड अगेन इफ देर इज अ डेस्टिनी गाई विल कॉल यू एंड थिंग्स विल चेंज सो सोशल मीडिया इज लाइक दैट फॉर मी टू स्प्रेड आउट गुड थिंग्स जैसे शुरू शुरू में तो ट्रोल ट्रोलिंग जब होती थी, hmm. sure. या कभी नहीं किया? मुझे एक्चुअली किया एंड कि किया so, nah, you know, तो रिलीज हो गया <laughs> <laughs> वो तो बाहर बज रहा है <laughs> तो बोलते हाँ हाँ वो तो है मतलब बस हो गया ना मेरा तो पर्पस ही ये था कि गाना रीच हो जाए मास्क के पास मेरा गाना रीच हो गया इट अभी आफ्टर इफेक्ट आई वेल वेरी है उसके बाद एक देशी गाना आ जाता है तो वो मुझे अच्छा लगता है ना कि अपना गाना यू नो देर कंपेयरिंग आवर सॉन्ग्स विदरल सॉन्ग आवर सॉन्ग इज इंटरनेशनल फॉर देम ना आपकी टीम में कौन कौन लोग है अभी सो मेरी टीम में मेरा एक प्रोड्यूसर फ्रेंड है गणेश जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ है चार पाँच साल से और मैं मतलब म्यूज़िक का टीम यही है साउथ में एक uh, मेरा और एक फ्रेंड है जो लाइव करता है किशोर एंड दैट्स इट विथ थ्री ऑफ़ अस एंड एडिक इज देर फॉर द मिक्सिंग बाकी मैनेजमेंट है जोशीना है जो मैनेज कर रही है रियो था रियो वॉज माई मैनेजर बट ही इज माई फ्रेंड ऑल्सोजम डी जे नाउ सो ही इज वर्किंग सो ही टू टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स सो आई टू चेंज हैई टीम रिसेंटली ललित है जो खाना पकाता है बहुत अच्छा पकाता है खाना क्योंकि मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ठीक है संतोष है जो पूरा मेरा स्टूडियो क्लीन रखता है ठीक है अभी मैं एक कोई ढूंढ रहा हूँ जो जाके मेरे मेरे ना स्टूडियो में बहुत सारे आइडल्स रखे हैं और uh, क्या होता है सो अर्ली मॉर्निंग आई कांट कम सो आई हैव टू पुट फ्लावर्स टू इट ऑन इट घर पे करता हूँ तो उसके लिए मैं ढूंढ ना कोई आके पहले कर दे मैंने ललित को ही बोला हुआ है कि जल्दी आ जा तेरा पाँचा पगड़ बना दूँगा पर जाके फूल चला देना आपको कोई फोबिया है हाइट का है एंड मतलब uh, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली हाइट का एंड पानी का था बट वो बिकॉज आई आई स्टार्ट लिविंग नियर द बीच सो मे बी दैट इज द रीजन बाई ये हो गया बट हाइट का मेरे को बहुत वो लगता है थोड़ा ऊंचाई से डर लगता है Or, वो और एक चीज बहुत डर लगता है मैं बोलना भूल बोल गया ड्राइविंग से डर लगता है मुझे बट सडनली वॉट हैपन इज दैट फॉर आई चाइल्डहुड ना आई लॉस माई कजिन ब्रदर इन एक्सीडेंट एंड आई लॉस माई ओन अंकल ऑल्सो इन एक्सीडेंट सो दैट थोड़ा ट्रिगर हो जाता है एंड अ लिटिल अवे और ऐसा कुछ है जो जब आप किसी में देखते हो तो आपको कोई भी जेस्चर है लोगों का वो बहुत पसंद आता है यार दिस इज मी स्माइल ऑनेस्टली स्पीकिंग जेस्टर विच आई फील इज मतलब जहाँ से मुझे ना एक uh, बंदे का uh, दिल और थोड़ा सा दिमाग समझ में आता सो वेन ए वी गो आउट एंड वी ईट आउट साइड सो इट्स अ थिंग दैट इवन इफ आई एम गोइंग आउट विथ अ बिलियनर और अ मिलियनर और अ ट्रिलियनर आई मेक इट अ पॉइंट आई पे द बिल फर्स्ट थिंग बट दे फाइट फॉर इट बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई पे इट बिकॉज आई आई फील दैट यू नो कहीं ना कहीं आई फील दैट दिस इज आई आई हैव मीटिंग एवरीबडी सो वेन समब कम्स एंड बिफोर इवन मी टेलिंग

एक आदत है मैं जितने भी आर्टिस्ट आते हैं उनको जनरली कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछता हूँ कि उनको समझ में क्या आता है उनसे उसका रीज़न ये है कि आ, आ, मैं चाहता हूँ पर्सनली भी कि जितने भी ये म्यूज़िक काोसिस्टम है ना उनमें सब अगर आर्टिस्ट एजुकेट हो जाए और आर्टिस्टों को सारी चीज़ें पता हो तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है और जितने भी लोग हैं उनके साथ डील भी अच्छे से कर पाएंगे तो मैं आपको टर्म बोलता हूँ आपको क्या समझ में आता है आप बताइएगा कॉपीराइट इसमें मुझे क्या बोल रहे हैं कॉपीराइट का क्या मतलब है अच्छा मतलब ऐसी चीज आपने पूछ ली है ना जिसका मैं आज तक मतलब समझ में नहीं आता है <laughs> कि गाना करके भी वो गाना आपके पास बिलोंग नहीं करता है। हाँ फिर भी आप किए जाते हो किए जाते हो किए जाते, की जाते, की जाते <laughs> तो मुझे ऐसा लगता है कॉपीराइट तो मेरे गाने मेरे पास कुछ है ही नहीं आज तक और पता भी नहीं फ्यूचर में होगा कि नहीं बट यस ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि You have to, तर्म तर्म मतलब आपको बता रहा है? ना आप रेंट पे रहना चाहते हो कि आप खरीद के रहना चाहते हो घर पे खुद के तो मेरा <laughs> वही <वो> है।, <laughs> तो है मन भी नहीं करेगा you know? uh, तो मुझे खुद का लेना है घर तो अगेन इज द सेम थिंग राइटर राइटिंग जो भी आप बोलो नही है एंड <laughs> <And laughs> एक और पूछता हूँ सिंक सिंक राइट्स वो तो कभी कोई देने वाला है नहीं मुझे प्रोड्यूसर तो अगला मैं कि मैं जैसे हमारी इंडस्ट्री में काफी लोग हैं तो उन टीम का रिप्रेजेंटेशन का नाम आपको हुँ. लूंगा आप उनको कोई सजेशन हुँ. कोई फीडबैक कोई कमेंट जो भी आप देना चाहते हो उनके लिए फिल्म uh, मेकर्स जितने भी देम फिल्म मेकर्स आई फील आई लव हिंदी फिल्म डेफिनेटली ठीक है आई बिकॉज आई वर्क विद सो मेनी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स सम फिल्म आई रिलेट टू सम फिल्म आई डोंट रिलेट टू बट बिकॉज इज माई प्रोफेशन आई वर्क एंड आई कांट ऑल्सो बिकॉज इफ आई गिव सजेश माई टेक इट इन अ डिफरेंट वे वैसे तू सिखाने आ रहा है तु ये तो काम हम लोग दे रहे हैं तू कि सिखाएगा बट जैसे ऑडियंस का एक रहता है ना

Labels. I feel labels should be um, should give you the freedom of working anywhere, because uh, what happens is that when you uh, get signed by a label or signed anywhere, you get stuck. You can't explore because they have a they have their own sense of uh, music. They have their own own style of music. It's like I don't want to get stuck in one genre of music throughout my life. So that thing I feel uh, labels should have that.

She has to represent a spiritual Tanishq, not an aggressive Tanishq. So that is what I feel and uh, I think my manager must be angry on me because she <laughs> knows that she is aggressive. <laughs> but I love that also. But I, I feel that, yes, she is also spiritual and it's that connectivity between them. Because she knows that Tanishq will not like this. Or Tanishq wanted to say this in that time. So cool. that is what manager should. And uh, uh, radio stations? दे शुड एक्चुअली गिव क्रेडिट टू एवरीबडी इंक्लूडिंग सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड लिरिक्स एंड दे शुड टेल यू नो द स्टोरी बिहन द सॉन्ग बिकॉज नॉर्मली वॉट हैपन्स इन अंडस्ट्री इज दैट द सिंगर बिकम्स फर्स्ट टू द आर्टिस्ट बिकम्स द मेन द हिरो हिरोइन सेकेंड द डिरेक्टर थर्ड में द सिंगर फोर्थ में सब 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 सिक्स सेवंथ एट में जाके म्यूजिक डायरेक्टर लिरिस्ट और लास्ट में वो चीज़ थोड़ा घुमाना बहुत जरूरी जिसने क्रिएट किया उस हाँ, जिसने क्रिएट किया उनका नाम आना चाहिए पहले उन लोगों का नाम आना चाहिए फिर सिंगर का आना चाहिए एंड इफ यू आई द म्यूजिक इंडस्ट्री व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इफ आई देन माय लाइफ विल चेंज सो आई डोंट दैट बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी बहुत अच्छा तेजी हम लोग अभी ऑडियंस uh, के क्वेश्चन देना चाहेंगे हमने एक सेगमेंट है आज द गेस्ट आई एल रीड ऑल द क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके अब उसमें भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहो uh, तो कर सकते काफ़ी क्वेश्चन हैं वाह पहला है कि आस्क अबाउट इज डेली प्रोडक्शन प्रैक्टिस थिंग हाउ ही डू और फ्रॉम वेयर व्हाट ही स्टार्ट Ask him to share a normal music production process verbally. Production ka process, first thing is that when I go to the studio, first thing is that I actually keep quiet for some time before even starting anything. First, I think what am I doing and how long I am going to work on it. So, I give a time limit to myself that five hours I am going to work on this project. एंड आई गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कि उनको क्या चाहिए दिस आई एम टॉकिंग अब फिल्म म्यूजिक या कोई एड अच्छा उनको ये चाहिए सो आई मेक अ कंप्लीट टू अर्लियर आई हैड अ बिग बोर्ड बट मैं स्टूडियो इज नॉट दैट बिग सो आधा जगह खाली होता हूँ तो board, big, so, so मैंने अभी उसको नोट्स में ही डाल दिया है तो आई कीप नोट्स अच्छा दिस इज दिंग इज दैन आई स्टार्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स विच आर सिमिलर टू दिज काइंड ऑफ जोन्स एंड देन आई स्टार्ट एज आई टोल्ड यू फर्स्ट आई डू द ग्रूफ द टेम्पो एंड उसके बाद आस्ते आस्ते आई गेट द कॉर्ड राइट द स्केल राइट एंड आई वाइप विद इट हाफ एन आवर आई डू दैट इफ आई डोंट वाइप विद इट आई स्विच इट ऑफ आई लि सम एंड आई अगेन कम बैक टू दिस सॉन्ग अगर मैं उसका हैंग ओवर ये गाने का रहता है तब तब देर इज समथिंग इन द संग टू स्टार्ट सो दैट इज माई फर्स्ट थिंग एक बार स्टार्ट हो गया देन तो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली आई वेरी गुड uh, अगला सवाल है कि हाउ तनिष्कर्न म्यूजिक प्रोडक्शन From any institute or self, what one advice he wants to share to all those who are still learning? Okay, so I am uh, self-taught, and uh, <coughs> obviously music I learned from mom and dad. I mean, my learning process not was not like a school, as I told you. It's like maybe whole year, a month, maybe I have done music, I've learned After that, whatever I have learned I multiplied and this and minus and that, and I made my things so that is how i have taken music i made it like a fun game self-taught sleep um, yucky i thought because of uh, youtube and all these things you will there are a lot of questions that are inside me so suppose if i am working on logic and i want to do something which is in my mind and i don't know what it is so i keep on searching for a phrase okay i want to uh, have a pattern where there are pitch changes, where pitch is going to change every time, where the snare will sound uh, uh, different in everything. So I search that. How is it possible? Then suddenly, what happened? I I find a pitchometer, which is a software which is already invented. It's there, but nobody knew it. So I use it in one of the sound, and then I I see it's, it. Is it matching with what I thought? If it's matching, then oh, it's a brilliant idea. I yes. keep it. I make a loop of it. <laughs> so the question inside is your.

वेरी इंपॉर्टेंट राता लंबिया राता लंबिया, सो आई लव दैट वर्ड सो आई मेड अ सॉन्ग बेस्ड ऑन राता लंबिया अभी राता लंबिया के पीछे कितना लंबा रात है कितना डिस्टेंस है कितना सैडनेस है एवरी थिंग इज देयर रात इज डार्क सो इट्स डार्क ऑल्सो यू फील एंड यू फील हैप्पी ऑल्सो तो वो चीज़ें मैं कलेक्ट करता तो उससे मुझे इंस्परेशन मिलता है तो मैं फिर गाने बनाता हूँ तो ऐसा होता है म्यूजिक इज सेम थिंग एज द मोर आई गेट टचड बाई एनी म्यूजिक विच कैन बी एनी लैंग्वेज एनी इंस्ट्रूमेंट एनी कंट्री आई गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट कि इसको मैं अपने तरीके से कैसे इसको मेरे फीलिंग को कैसे मैं इसके साथ जोड़ पाऊँ उसमें यह भी था कि दूसरों के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन आप कैसे सीखते हो दैट द प्रोसेस बिकॉज दैट इज दिन कनेक्टिविटीत सिंह

कोई सिंगर गाना चाहता है या कोई कोलेबरेट करना चाहता है कहीं से भी तो वो कैसे कर सकते हैं नॉर्मली हुए हाँ तो नॉर्मली मैं बताता हूँ कैसे मैं खुद कोलाब्रेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता रहता हूँ कोई भी आर्टिस्ट नया भी हो ना तो भी आप मेरे डीएम देखोगे ना तो मैं उनको भेजता रहता हूँ कि डू आई वॉन्ट टू डू अ सॉन्ग यू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि सिंगर्स जो है ना दे uh, uh, मतलब वो गाते हैं एंड इट इज आर थिंग टू पिक दम अप फ्रॉम वेयर ये मेरा एक प्रोसेस रहता है मेरी तरफ से अभी दूसरा अदर साइड इज दैट इफ समबडी वॉन्स टू कॉन्टैक्ट मी द बेस्ट थिंग इज दैट यू जस्ट डी एम मी क्योंकि व्हाट्सएप में देखता नहीं हूँ एंड बिकॉज एंड ऑल दैट तो वो मैं आई कीप ऑन सींग मैसेज दैट कम्स इन सो उस दे कैन डी एम मी दैट ओके दिस सॉन्ग आई हैडी सुपर बहुत सारे डीएम आने वाले हैं हाँ हाँ हंड्रेड प्लीज भेजो <laughs> how can get how can newcomers or upcoming talents get chance for playback in bollywood as well though there is no shortcut etc but still after a lot of struggling so many talented people don't get opportunity in the music industry it's a very generic question hmm. but, but i'll i'll tell you honestly this thought has changed and there is uh, a window which has opened and new singers and everybody is actually getting accepted i'll tell you recently i did a song for a film for Shahid Kriti. And uh, it's a folk and original mix song, Lalpili Peeli so, Which is doing really well. Yeah, and uh, people wanted to know who is this singer, Romi, what he has sung. I said, he has sung so many songs of mine. All blockbuster songs he has sung. I want his voice to go in this. And thanks to Dinu. Uh, Dinu told me that, uh, you are happy with the voice? You have vision for this? I said, he is the voice for it. None other can work for this song, trust me.

सजेशंस फॉर द न्यू कंपोजर्स सजेशंस तो वही है कि अगेन यू हैव टू बी ऑनस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आगे बढ़ने के लिए एवरीबडी इवन इफ यूर लव वंस यू मेक दम हियर अ सॉन्ग दे विल ऑब्वियसली लाइक इट यू हैव टू प्रेजेंट इट टू पीपल हु आर वेरी क्रिटिकल अबाउट म्यूजिक यू टेक देयर आइडियाज एंड ट्रस्ट मी ऑल दैट मिस्टेक्स द मोर मिस्टेक यू हैव इन अ म्यूजिक ना The more chances are for you to shine. Do you make multiple arrangements or compositions before finalizing a song? uh Not really, because uh, as I told you, I don't want to get frickle about my music. मैं अगर चार पांच zone बना दिया एक गाने का, तो मैं खुद ही भटक जाऊँगा कि ये zone में चलेगा कि उस zone में. तो I first thing that I, as I told you, I sit and I decide on the genre first, and उसी पे gradually I rise. then i go back again to it if i feel that vibe then it's right if i don't feel it then i change the track kul aakhri sawale audience ka how can we program indian rhythm dhol tabla groove etc if there is there any vsts or bank library bank libraries are there everywhere to but the problem with bank library i'll tell you is that uh, indian instruments are very tuned oriented they have Correct. a scale in its own so

मिसेस शर्मिष्ठा बागची उनको भी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू मैम आपने एग्री किया और मैं जब से आप आई जब से आपसे बात कर रहा था तब से सोच रहा था कि क्या ऐसा कर सकते हैं माँ बेटे एक साथ आपने ही उनको सबसे पहले सिखाया बजाना और आपने ही उनको बजाना सिखाया तभी वो पाड़ा में जा परफॉर्म किया पाड़ा मतलब एरिया <laughs> और वहाँ से रीग बागची से तनिज बागची बन गए तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग दोनों साथ में कुछ करेंगे तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर कि चली है तू क्थे चली है तू कलिए जान है तो जान है तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू कि चली है तू क्थे चली है तू चली है का कैसे राता ओ वो जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रेरा तम्बे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगया संगे आ संगे रे कुचू कुचू तो आंटी मैं जो आखिरी सवाल है वो जनरली गेस्ट से पूछता हूँ वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी उनसे नहीं सवाल पूछना कि आप क्या चाहेंगे कि आपके बेटे को बेटे को चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो कैसे याद रखें उनके मन में आपके बेटे के लिए क्या सोच होना चाहिए सोच वो गाना ऐसे गाना करना चाहिए ऐसे ट्यून करना चाहिए जैसे जो दुख का गाना है आँख से पानी निकलेगा जो डांस का गाना है तो ये बच्चा भी डांस करेगा हम्म तो मतलब जिस भी इमोशन का गाना वो जो है, है, मतलब एकदम वो चाहिए क्या बात है तो एक और सवाल पूछ लेता थोड़ा सा उनको अभी भी किसको आप डांटते हैं उनको नहीं कभी भी नहीं कभी भी मारा नहीं अभी तक भी वो आके आके बोलता सबका मेरा दोस्त लोग को सबको मारता है मम्मी पापा से डराता है ऐसे पढ़ा कर पढ़ाई करो ये करो वो करो तो आप तो कभी भी नहीं हम नहीं जब स्कूल में जाते थे ये सब सबसे पहले स्कूल से आता था दूर से ऐसे मम्मी मतलब सुपर फिर जाते जाते थोड़ा थोड़ा आता मैं देखा है फिफ्टी में चल जाएगा तो फिफ्टी तक हम लिख लिया बाद बाकी नहीं लिखा है घर में जाके थोड़ा तो गुड्डी उड़ाएंगे बॉल खेलेंगे हाँ चलो लस्सी पीना है चलो <laughs> फिर ऐसा ही क्या बात है मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि किस्सा खत्म ही नहीं हो किस्सा ऐसा हाँ, ही ऐसा ही <laughs> और एक बार है आ, मैं बोलती हूँ तुम्हारी दीदी इतना पढ़ती है और स्कूल के बाहर जब हम गेट में है ना जाते थे तो सबको बोलता है वो डायना इतना फर्स्ट सेकेंड आती क्या लिखती है वो है तुम्हारा स्कूल में आके छुप के एक जगह में जाता है अगर पूछेगा तो मैं बोल नहीं पता तो वो चुपचाप है फिर उसके बाद बोला दीदी इतना पढ़ती है तो एक क्लास छोड़ के तो ऊपर नहीं जाता ना मैं भी ये करके तो एक ही सेम तो क्यों इतना पढ़े उसके बाद हम कभी कभी नहीं पूछा तो जो करो भाव रेट वो नहीं आना चाहिए तो जो भी करो बस और एक मतलब मतलब क्या बोलेंगे और छोटा था बस से जा रहा है बस बस से जा जाता था ना स्कूल तो एक दिन आके बोले मम्मी एक लड़का ना हमको मारा है धक्का दिया है अब बस बस काकू है मतलब चाचा को आप बोल दीजिएगा हाँ हम हमको मारा है तो मैंने बोला मैं तो बस वो चाचा के पास नहीं जाएंगे मैं तो जाएंगे प्रिंसिपल के पास पहले तुम बोलो तुम कुछ नहीं किया ना सोच तो छोड़ दीजिए <laughs> ये हम लोगों का, जितना भी हम लोगों ने शूटिंग की है सारा शूटिंग का सारा एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट है थैंक यू सो मच आंटी भगवान करे आपने आप जो सोचते हो तनिष बागची को चाहने वाला हर फैन ये पॉडकास्ट देखे और सारे लोग यही कन, क, क, मतलब कनेक्ट करे कि जब वो गाने डांस वाले बनाएंगे तो लोग नाचें जब वो रोने वाले बनाएंगे तो इमोशन फील करके रोए mm. जब वो हंसने वाले बनाएंगे तो हंसे जब एंजॉय करने वाले बनाए तो एंजॉय करें थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर यूंग सच लाइक सो ऑनेस्ट एंड सो रियल